नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गुरु जाडा अप्पा राव, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुरु जाडा अप्पा राव, इनका जन्म 30 सितंबर 1861 और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 30 नवंबर 1915। आधुनिक तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि थे अप्पा राव। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम क्षेत्र में एक विद्वान परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता वेंकट रामदास संस्कृत और तेलुगु के विद्वान और वेदांत तथा ज्योतिषी के ज्ञाता थे। इनके आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। विद्यालय में संस्कृत और दर्शन उनके प्रिय विषय थे। उन्होंने कुछ समय तक अध्यापक रहने के बाद विजयनगर रियासत में नौकरी की। यहाँ इनको इतिहास पर शोध करने का अवसर मिला और उन्होंने कलिंगा का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की। गुरु जाडा अप्पा राव राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत बड़े ओजस्वी कवि थे। उनकी कविताओं में अनेक संग्रह प्रकाशित हुए। उन्होंने जाति भेद, वर्ण भेद आदि का विरोध किया। धर्म के ब्रह्माचार और मूर्ति पूजा में उनका विश्वास नहीं था। कविता के साथ साथ उन्होंने नाटकों, कहानियों और आलोचनाओं की भी रचना की। वे अपने रचना में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग करते थे। विनयशीलिगम के प्रयत्नों से समाज सुधार की जो लहर पैदा हुई थी उसको आगे बढ़ाने में अप्पा राव ने भी योगदान दिया था। कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं इन्होंने लिखी वो बता देता हूं मैं। सारंगधर, पूर्णमम, कुडू भट्टई, नीलगिरी पाटुल, मोत्याल सरालू, कन्याक, सत्यव्रत, शतकम्मु बिल्हण्य, सुभद्र, लंगरेतुत्मु, दिच्चु लंगरु, लवण राज कल, कासुल सौदामिनी, कथा निकलु, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े के